आज सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव बसपा के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के हर जनपदों का भ्रमण किया जा रहा है, जिसके क्रम में वह आज बुंदेलखंड के महोबा जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी गेस्ट हाउस में सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान की भाजपा सरकार और पूर्व में रही समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकारें हैं जो ब्राह्मणों, दलितों और किसानों का उत्पीड़न करती हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब पूर्व में उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार थी, तब रात में अकेली महिला भी निसंकोच होकर अपने कार्य के लिए निकल पड़ती थी, लेकिन आज की सरकार के चलते महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। डीएसपी का मिशन ये है कि उत्तर प्रदेश में सन 2022 में सर्वजन को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाते हुए बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों का संकल्प। लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या है? मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा और क्या खुलासा हो सकता है इस सरकार का, जहाँ पर भी सितंबर 2020 और अब सितंबर 2021 आ रहा है, 24 घंटे नहीं लेते हैं, मंदिर से उठा लाते हैं, लाके अगले दिन गोली मार देते हैं जिसको उठाना होता है और जिसको छिपाना होता है, जिससे गोली मारी इसका सामने सब आ गया खुलासा, और महोबा के लोग आज तक उत्तेजित हैं, परेशान हैं कि वो कब पकड़ा जाएगा। एक साल हो गया, देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे जितने भी हो रहे हैं उससे जो जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और खास तौर से जिस तरह से ब्राह्मण समाज जो कि पूरी तरह से परेशान है, दुखी है, आतंकित है उत्तर प्रदेश में, वो हमारे साथ में इकट्ठा हो रहा है, और ये दावे के साथ कह सकते हैं 2005 और 7 के बीच में जितना हमारे साथ जिस तरह से हुआ था उससे 5 गुना तेजी से आज हमारे साथ हो रहा है, और ये सरकार बनवा के ही अब सर कितनी सीटें आ रही हैं